सौबात की एक बात यह कि हिमाचल में मस्जिद का बवाल बिल्कुल वैसा मामला है जिसको देखकर पब्लिक भी बुलडोजर की मांग करने लगती है। अदालत भी कह रही है कि नियम के हिसाब से ही काम होना चाहिए, लेकिन इतने इतने साल किस बात के लग जाते हैं। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अफसर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन यह अवैध निर्माण हो कैसे जाता है? अगर निगम के मुताबिक जो नियम है, अगर ढाई साल की ही बिल्डिंग, ढाई मंजिल की ही बिल्डिंग बन सकती थी, माफ कीजिएगा, तो मस्जिद चार मंजिल की कैसे बन गई? सरकार कह रही है कि 2010 से अवैध निर्माण हुए जा रहा था, तो क्या कर रहे थे 2010 से? अधिकारी क्या कर रहे थे? 30-35 बार नोटिस दिया गया, बताया गया 30-35 बार नोटिस दिया, लेकिन मस्जिद बनाने वाले मस्जिद बनाते रहे। कर क्या रहे थे अधिकारी? 2010 से हो रहा था तो 2010 से तो कई सरकारें आ गई, कांग्रेस की भी आ गई, बीजेपी की भी आ गई, लेकिन मस्जिद को कोई नहीं रोक पाया। कांग्रेस भी कह रही है कि मस्जिद को गिराना चाहिए, बीजेपी भी कह रही है कि गिराना चाहिए, नियम भी कह रहे हैं कि इसमें अवैध निर्माण है, फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि अदालत में है मामला और 44 बार सुनवाई हो चुकी है। तो पब्लिक यही देखकर तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कांग्रेस की सरकार है वहां, बीजेपी विपक्ष में है, दोनों अवैध निर्माण गिराने की बात कह रहे हैं। निर्माण 2010 से चल रहा था, दोनों पार्टियों की सरकारें रह चुकी हैं, लेकिन नोटिस पर नोटिस दिए अधिकारियों ने, 30-35 नोटिस दिए, फिर वही तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। पूछता क्यों नहीं कोई अधिकारियों से कैसे हो गया अवैध निर्माण? कोई दुनिया की नजरों से दूर जंगल में थोड़ी है मस्जिद, बीच बाजार में मस्जिद बन गई चार मंजिला और अधिकारियों को पता भी नहीं चला। ये क्या अंधेर गर्दी लगी हुई है? मंत्री वहां विधानसभा में बता रहे हैं कि इनको आदत है अवैध निर्माण की, 2010 से किए जा रहे हैं, पहले दो मंजिल, तीन मंजिल, चार मंजिल हो गई, ये मंत्री बता रहे हैं वहां विधानसभा में। और कांग्रेस की सरकार अवैध निर्माण पर बोल रही है तो अजदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं कि हिमाचल में मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। तो क्या मोहब्बत के नाम पर कानून ना माने? मस्जिद है तो कानून अलग होगा क्या? बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग अवैध है, उस पर नोटिस है, बिल्डिंग में मस्जिद है, मस्जिद हिमाचल के कानून के हिसाब से नहीं चलेगी। नगर निगम के नियम क्या मस्जिदों पर लागू नहीं होंगे? अगर अवैध है तो अवैध है, मस्जिद हो या मंदिर हो या चर्च हो या कुछ भी हो, अवैध निर्माण के खिलाफ बोलना नफरत कैसे हो गया? जो अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर बनी चार मंजिला मस्जिद नहीं रोक पाए, उन अधिकारियों को क्यों बख्शा जाए? और अगर धर्म के आधार पर किसी को निशाना ना बनाना गलत है, तो धर्म के नाम पर किसी गलत को सही बनाने की कोशिश करना भी उतना ही गलत है। ये मोहब्बत की दुकानें और नफरत की बातों की राजनीति नियम कानून के दायरे में ही तो रहकर होगी, कानून के हिसाब से ही तो होगी। जय संविधान करते रहते हो तो उसके हिसाब से ही तो एक्शन लो। फिर सौ बात की एक बात,